जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, हेडफोन तो हम सभी यूज़ करते हैं, बट क्या आप जानते हैं एक नॉर्मल हेडफोन्स के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं एंड वो किस तरीके से काम करता है। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड मैं आपसे इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। बट दोस्तों, बिफोर स्टार्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स। तो जैसे हमको नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको मार्केट में बहुत तरीके का अलग अलग हेडफोन्स ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं एंड आप यूट्यूब में भी अक्सर बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे एंड ये भी हो सकता है आपने खुद से खरीदा हुआ है। बट मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकेशन देख के कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए सही रहने वाला है। एंड दोस्तों, आप ये भी समझ सकते हैं, इन वीडियो में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि स्पेसिफिकेशन वाइज कैसे आप जांच कर पाए कि कोई भी ब्रांड का हेडफोन कैसा हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे दो अलग अलग ब्रांड के हेडफोन में कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला है ये आप खुद से ही जांच कर पाएंगे, जस्ट लाइक दिस। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं हेडफोन्स की एंड ईयरफोन्स की, तो वो अलग अलग सभी अलग वैराइटीज़ में आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। ये आपको भी पता है एंड मेरे को भी पता है। तो हेडफोन्स में जो बेसिक आपको देखने को मिलते हैं ऑन द ईयर हेडफोन्स, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑन द ईयर मीन्स जो हमारा छोटा सा ईयर का होल होता है उसके अंदर ये रहता है एंड ये जनरल तो कंफर्टेबल ही होता है, बट कभी कभार अगर इसको आप लॉन्ग टाइम यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए दर्दनाक महसूस हो सकता है। उसके बाद आता है ओवर द ईयर। ओके, तो इसका मतलब क्या है? आपका जो पूरा कान का जो एरिया है उसको ऊपर से ढक देता है, तो ऐसे में आपको नॉइस आइसोलेशन जो है वो काफ़ी कम मिलता है। उसके अलावा थोड़ी सी बड़े होने के चक्कर में जो आपका साउंड होता है वो भी काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलता है। आप लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी परेशानी से। तो ओवर द ईयर हेडफोन में भी आपको दो वेराइटीज देखने को मिलते हैं, एक है हमारा ओपन बैक और दूसरी जो है क्लोज्ड बैक। तो इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों देखिए, ओपन बैक का मतलब ये है जो आपका बैक साइड है वो पूरा ही जो आउटर पोर्शन है वहाँ पे हेडफोन्स खुला हुआ रहता है एंड वो बंद नहीं होगा, ठीक है। तो अगर बंद होता है तो ऐसे में क्या होगा, जो बास है वो आपको बढ़िया समझ में आएगा, साथ ही साथ जो लाउडनेस है साउंड का क्लैरिटी वो भी अच्छी खासी मिलेगी, नॉइस आइसोलेशन भी अच्छी खासी मिलता है। लेकिन 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 दोस्तों, अगर वो ओपन बैग हेडफोन है तो क्या होगा, वो क्लोज नहीं होगा तो आपका जो बाहर का एनवायरनमेंट का साउंड है जिसको हम बोलते हैं एम्बियंट साउंड, तो आपको ज़्यादा सुनाई देने वाला है। बट कुछ कुछ ऑडियो फाइल एंड ऑडियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि एडवांस लेवल में हम इसको डेवलप कर चुके हैं एंड वो कभी कभार ऐसा भी बोलते हैं कि जो हमारा ओपन बैग हेडफोन है वो अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर एक नेचुरल तरीके का साउंड आपको सुनने को मिलता है, जो बाहर की नॉइज़ है वो भी है एंड साउंड वो दोनों आपको मिलता है। एंड जो क्लोज्ड बैग है वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉइज़ कैंसिलेशन देखने को मिलते हैं। ऑल द नॉइज़ कैंसिलेशन एक अलग टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आपसे बात करते हो स्पेसिफिकेशन के बारे में, जो हमारा इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो देखिए हेडफोन्स हो या ईयरफोन्स हो, जो सबसे पहली चीज़ है इंपॉर्टेंट वो है फ्रीक्वेंसी रेंज। तो हो सकता है वो कोई भी ब्रांड का हो, जरूर वहाँ पर मेंशन होगा कि उसका फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है। इसका मतलब है कि कौन से फ्रीक्वेंसी रेंज में ये बिलोंग करता है एंड आपका हेडफोन्स एंड ईयरफोन्स इसको प्ले कर सकते हैं। तो नाउ अगर मैं आपसे बात करता हूँ, जैसे कि हमारा ह्यूमन नेचर, ह्यूमन का जो कान है वो बेसिकली 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक का जो ऑल फ्रीक्वेंसीज है उसको सुन सकते हैं। तो अगर आपका हेडफोन, हो सकता है आपने मार्केट में ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी हेडफोन परचेस किए होंगे, तो अगर वहाँ पर लिखा हुआ कि जो लो फ्रीक्वेंसी है वो 12 हर्ट्ज से लेकर जो हाई फ्रीक्वेंसी है 22 किलो हर्ट्ज तक जाता है, तो यानी कि जो उसका हेडफोन का आउटपुट है वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी खासी लो भी मिलेगा एंड हाई भी मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको बस चाहिए तो ज़रूर आप स्टार्टिंग जो रेंज है उसको ऑलवेज चेक कीजिए, यानी कि वो आपको बेस जो है उसको आइडेंटिफाई करता है, बिकॉज जो लो ग्राफ फ्रीक्वेंसी है वो ऑलवेज बेस को ही इंडिकेट करता है एंड जो हायर ग्राफ है वो ऑलवेज ट्रेवल को हमेशा इंडिकेट करता है। तो इस चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए, अगर आपको अच्छी खासी ट्रेवल चाहिए तो जो ग्राफ है उसको आप फॉलो कीजिए, जो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है वो बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो ईयरफोन्स है, एक ब्रांड के ईयरफोन्स के अंदर 20 हर्ट्ज से लेकर वो
20 किलो हर्स तक का साउंड को प्रोड्यूस करता है, दूसरा जो है प्रॉपर 80 किलो हर्स तक का साउंड को प्रोड्यूस करती है। यानी कि दूसरा ब्रांड के जो हेडफोन है वहाँ पर आपको बास मिलता है एज़ कम्पेयर टू ट्रिबल बास अच्छा आपको मिलेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। तो पहले मैंने बताया था रेंज, अब हम बात करेंगे रेस्पॉन्स। तो इसका मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कितना आपको गेन मिल रहा है। बेसिकली जो हेडफोन या ईयरफोन है वहाँ पर आपको कभी कभार क्या होता है कि हायर फ्रीक्वेंसी में जो आउटपुट मिलता है वो कितनी तेज़ी से मिलती है, एंड जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो आपको कितनी गेन से आउटपुट देता है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। तो एक प्रॉपर चार्ट कंपनी वहाँ पर हमेशा प्रोवाइड करते हैं अगर आप कोई सा भी ब्रांडेड हेडफोन परचेस करते हो तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो रेस्पॉन्स है या रेंज है जो भी है आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसके बाद जो चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं ड्राइवर साइज। ऑब्वियसली जो छोटे हेडफोन्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू बड़े हेडफोन्स जो है वो ज़्यादा बेहतर साउंड आपको प्रोड्यूस करने वाला है, एंड ड्राइवर साइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है साउंड क्वालिटी कैसे होने वाला है। जो हमारा नॉर्मल हेडफोन्स हम देखते हैं ईयरफोन्स तो मार्केट में वो जो 8 mm का ड्राइवर होता है 10 mm 12 mm एंड 13-14 mm का भी होता है, तो इसके ऊपर साउंड क्वालिटी डिपेंड करता है। अगर आपका हेडफोन का जो ड्राइवर है जो जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा बेहतर साउंड आपको सुनने को मिलेगा। जो बड़ा हेडफोन होता है वहाँ पर आपको जनरली 30-40 mm का ड्राइवर देखने को मिलते हैं, बट अगर वो उससे ज़्यादा होगा तो साउंड भी है उससे बेटर आपको आउटपुट देने वाला है। तो इसके अलावा जो हाई क्वालिटी का ईयरफोन्स होते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल ड्राइवर्स का उपयोग किया जाता है। बेसिकली लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए एक ड्राइवर होता है एंड हायर फ्रीक्वेंसी के लिए और एक दूसरे ड्राइवर के उपयोग किया जाता है। मैं एमआई की बात नहीं कर रहा हूँ, बट दोस्तों जो महंगे हेडफोन्स होते $5,000-$6,000 के होते हैं तो वहाँ पर आपको 5-6-7 अलग अलग ड्राइवर्स देखने को मिलती है एंड उसके लिए अलग क्रॉसओवर का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में ड्राइवर साइज जितना बड़ा होगा तो क्वालिटी आपको ऐसी मिलेगी। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार बड़ा ड्राइवर होने से ही साउंड आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या होता है, बेसिकली ये एक रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए बेसिकली जो करंट फ्लो होता है ईयरफोन्स के तो उनको कितने रेजिस्टेंस वो मिल रही है, बेसिकली रेजिस्टेंस को आप मेजर करती है ओम्स के ऊपर। एंड जितना ज़्यादा आप समझ लीजिए आसानी से करंट पास होगा तो उतनी ज़्यादा हिसिंग साउंड वो करेगा। अगर मैं आपसे बात करती हूँ कि हाई क्वालिटी हेडफोन्स की, तो उन हेडफोन्स को अगर हम हाई इंडिपेंडेंस क्यों कहते हैं, बेसिकली वहाँ पर आपको जो नॉर्मल फोन से वो अगर उससे आप कनेक्ट करते हो ड्राइवर को तो वहाँ पर हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाला है, बट उसके लिए चाहिए होता है अलग से डेडिकेटेड एम्पलीफायर एंड उसके बाद उस ड्राइवर को उस एम्पलीफायर के साथ मैच करना होता है एंड देन आपको एक बेहतर अच्छी खासी साउंड मिलता है। तो जनरली जो नॉर्मल ईयरफोन्स हमारा होता है मार्केट में वो 30-28 ohms का ही मिलता है, बट अगर मैं आपसे बात करता हूँ प्रॉपर एम्पलीफायर की, जो एम्पलीफायर हेडफोन से चलते हैं उसका मोबाइल से नहीं चला सकते एंड वहाँ पर जो इंपीडेंस होता है उसको मैच करना पड़ता है। अगर आप इंपीडेंस है उसका अच्छी तरीके से मैच करते हो तो बहुत ही अच्छा आउटपुट एंड क्लियर साउंड आपको सुनने को मिलेगा। नाउ दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। तो ये कैसा चीज़ है, इसको बारे में ज़्यादातर लोग बातचीत नहीं करते। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन ऐसा आप समझ लीजिए जैसे कि आपने वॉल्यूम बढ़ाया, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ जो डायग्राम है वो उतनी तेज़ी से फेंकती है एंड वाइब्रेट करती है एंड कभी कभार वो नहीं कर पाते तो आपको डिस्टॉर्शन सुनने को मिलते हैं। तो ये डिस्टॉर्शन जितना कम होगा उतना ही अच्छा आपको बेहतर आउटपुट एंड वॉल्यूम पे आउटपुट सुनने को मिलेगा क्लियर हाउस। तो कुछ टिपिकल केसेस में लेस देन 1-2% ये जो डिस्टॉर्शन होते हैं। अगर आपसे बात करते हो हाई क्वालिटी हेडफोन की हाई एंड तो वहाँ पर लेस देन 5%, 4% एंड 1% आपको सुनने को मिलता है। तो दोस्तों इसके बाद आता है सेंसिविटी। तो इसको हम बोल सकते हैं SPL या साउंड प्रेशर लेवल। तो सेंसिटिविटी बेसिकली एक एफिशिएंसी होता है आप बोल सकते हैं, तो जितना इनपुट वो लेता है तो उतना इनपुट में कितना आउटपुट देता है। तो ये जो साउंड प्रेशर लेवल है वो बेसिकली मिलीवोल्ट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप मान लीजिए एक आइडियल रेंज में जो हमारा ईयरफोन होता है वो 85 dB से लेकर 120 dB तक होता है, तो इतना ज़्यादा
बहुत ही सफिशियंट होता है तो इस रेंज के अंदर। फॉर एग्जांपल एक ईयरफोन्स के अंदर जो है 90 dB है और एक दूसरा जो है 100 dB है, तो जो 100 dB है उसका लाउडनेस काफ़ी अच्छा होगा। अगर सेम वॉल्यूम पे सेम सोर्स पे हम उसको सुने तो ज़्यादा सेंसिबिलिटी है। तो टिपिकली जो 85 dB होता है, 85 से लेकर 120 dB होता है, छोटे हो बड़े हो ये सभी इसी तरीके होते हैं। नाउ इसके आगे हम बात करते हैं नॉइस कैंसिलेशन की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन होता है पैसिव। तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन बेसिकली बाहर में कुछ माइक्रोफोन लगा हुआ होता है एंड वहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद रियल टाइम में वो साउंड सर्किट के थ्रू प्रोसेस करके वो 180 डिग्री इन्वर्ट करके वो प्ले करता है एंड आपको बाहर की जो नॉइस है सुनने को नहीं मिलते। बट ये जो नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही काम करते हैं। अगर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी नहीं है जैसे कि चिल्लाने की आवाज़ है एंड बहुत ही लाउड, वहाँ पर ये अच्छी तरीके से काम नहीं करता। अगर आप प्लेन पे बैठे हुए हो तो ये पर बेसिकली होता है कि जो इंजन का साउंड है वो तो आपको सुनने को नहीं मिलेगा, बट अगर आपका बगल में कोई बैठ के बातचीत कर रहे हो तो उसका साउंड आपको सुनाई देने वाला है। तो यही था कुछ हेडफोन के बारे में ज्ञान की बात है एंड क्या हेडफोन के अंदर होता है। हम जब देखते हैं ना एक स्पीकर एक तार लगा होता है, बेसिकली वो नहीं होते, उसके पीछे बहुत सारे टेक्नोलॉजी होते हैं। तो अगर आप हेडफोन परचेस करते हो तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा एंड आपको इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं ध्यान रखना होगा, सिर्फ आपको अपना नीड देखना होगा इन फ्रीक्वेंसी जो होता है बेसिकली आप उसको देखिए एंड हो सके तो एक अच्छी खासी 700-800 रुपये में आप हेडफोन ले लीजिए कोई भी ब्रांड का, वो अच्छा होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टिकुलर ब्रांड का या परचेस करो, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आपके हिसाब से उसका परचेस करना होगा। एंड और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो आपका जो ड्राइवर जो आउटपुट देने वाला है हेडफोन को उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आउटपुट जितना अच्छा मिलेगा तो उसमें ज़्यादा वो प्रोसेस करेंगे। तो यही था आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।